विगत दिनों त्रिपुरा में हुए जातिगत नरसंहार को लेकर पीसीडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद खालिद फैंस ने चिंता जताई। 5 वकीलों का दल निष्पक्ष जांच करने गया था। उन पर मुकदमा त्रिपुरा सरकार ने दर्ज किया है जो असंवैधानिक है। आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा गया है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी एवं मीडिया उपस्थित रहे। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आज प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट के बैनर तले त्रिपुरा में जो मानवाधिकारवादी अधिवक्ता और पत्रकार के खिलाफ त्रिपुरा सरकार द्वारा UAPA का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके विरोध में हम महामहिम के नाम एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम ये मांग करते हैं कि UAPA का जो मुकदमा पत्रकार और अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और त्रिपुरा के अंदर क्योंकि कानून व्यवस्था में विफल हो गई है सरकार, उसको बर्खास्त किया जाए। यदि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का सरकार उल्लंघन करती है तो हमें पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कि न्यायपालिका है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय हाईकोर्ट त्रिपुरा द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले पर त्रिपुरा सरकार से जवाब मांगा गया है। निसंदेह सरकार अपना पक्ष रखेगी, वहीं न्यायपालिका संविधान की रक्षा करते हुए जो ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेगी। हम पत्रकार सुरक्षा के लिए और पत्रकारों की रक्षा के लिए उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उसी संदर्भ में आज हम महामहिम को ज्ञापन सौंपने कलेक्टर महोदय को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।